भाजपा के लोग अपने 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है 9 वर्षों में इन्होंने क्या किया, नौजवानों को, किसानों को, सबको ठगने का काम किया। 9 साल देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, देश का भाजपा ने किया बुरा हाल। इनकी नाकामियां इतनी हैं कि जनता ने भी तैयारी कर लिया है हिसाब किताब बराबर करने का और पाई पाई का हिसाब लेने का। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे हुए, अब जब 9 साल पूरे हुए तो केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार की सत्ताधारी पार्टी JDU और RJD ने BJP पर ऐसी ऐसी कविताएँ बनाई हैं। क्या हुआ पिछले 9 सालों में, बेरोजगारों का हाल कैसा है, युवाओं का हाल कैसा है, महंगाई का क्या हाल है, किसानों का क्या हाल है। देखिए, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। अब ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे, 9 साल पूरे हुए हैं तो रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जाएगा। RJD और JDU की ओर से जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने तीखे सवाल पूछे हैं कविता के माध्यम से, जरा सुनिए। भाजपा के लोग अपने 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है 9 साल देश बदहाल, किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, देश का भाजपा ने किया बुरा हाल। बुनियादी मुद्दों की कभी चर्चा नहीं की, जो वादे चुनाव में करके आए थे उन्हें पूरा नहीं किया। कहा गया प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा, 15 लाख सबके खाते में आएंगे उसका वादा, काला धन वापस लौटेगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, महंगाई दूर होगी, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को उनका हक मिलेगा, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये लोग जानते हैं कि जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया है, जनता आने वाले समय में बुरा हाल करने वाली है, इसीलिए खुद को सांत्वना देने के लिए ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं। आने वाले समय में देश की जनता इनके सभी ऐसे कार्यक्रमों की हवा निकाल देगी। BJP चुनाव की तैयारी क्या करेगी और अपनी उपलब्धियों को क्या बताएगी। इनकी नाकामियां इतनी हैं कि जनता ने भी तैयारी कर लिया है हिसाब किताब बराबर करने का और पाई पाई का हिसाब लेने का। जनता के सवालों का जवाब BJP के पास नहीं होगा। 9 वर्षों में इन्होंने क्या किया, नौजवानों को, किसानों को, सबको ठगने का काम किया, धोखा मिला जनता को। जनता अब जुमलेबाजी का बदला लेने के लिए तैयार है। BJP चाहे लाख तैयारी करे और अपनी उपलब्धियों को बताए, लेकिन जनता को पता है कि जुमलेबाजी करने वाली पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया है। तो कविता सुनाई गई है, एक से बढ़कर एक कविता सुनाई गई है। हालांकि जवाब भी दिया जाएगा BJP की ओर से, ये बात भी तय है, पलटवार भी होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं, अब उसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, तैयारियां की जा रही हैं दोनों ही ओर से। एक तरफ जहां महागठबंधन खेमा बनकर तैयार है, 12 जून को बड़ी मीटिंग होनी है, तमाम जितने विपक्षी दलों के नेता हैं वो पटना पहुंचेंगे और पटना में ही बड़ी मीटिंग होनी है नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या विपक्षी एकजुटता की मुहिम को और मजबूती मिलेगी, क्या BJP के लिए चुनौतियाँ और बढ़ेंगी, या फिर BJP जो कह रही है कि अगले साल आएंगे तो मोदी ही होगा, कुछ वैसा ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। जनता क्या करती है, जनता सब देख रही है, जनता क्या फैसला लेगी वो तो खैर जनता जाने। धन्यवाद।